बोकारो जिले के कोमिया प्रखंड में बोकारो नदी पूरे उफान पर है। यहां एक बड़ी घटना भी हो गई है। पानी का स्तर ऊपर होने और तेज बहाव के कारण ग्राम पंचायत होसिर पश्चिमी के ढींढे और सियारी पंचायत के ग्राम डुमरी सहित दर्जनों गांव टोलों को जोड़ने वाले पुल का एक कॉलम सहित दो स्पेन ध्वस्त हो गए हैं, जिसमें एक ग्रामीण जो पुल के ऊपर से होकर दूसरी ओर खेत जा रहा था, स्पेन के ध्वस्त होने से नीचे गिरकर बह गया। इसका नाम भवरी लाल प्रजापति 50 वर्ष बताया जा रहा है। बताया जाता है कि यह पुल दर्जनों गांवों के लिए, खासकर उग्रवाद प्रभावित पिछड़े गांवों के लिए लाइफलाइन से कम नहीं थी। इस पुल का निर्माण करीब 13 वर्ष पूर्व हुआ था। बहरहाल घटनास्थल पर बारिश के बीच हजारों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं पुल का एक हिस्सा बह जाने के चलते पुल बनाने वाले संवेदक पर ग्रामीण अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। यह पुल राज्य सरकार के मद से बना है। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन घटनास्थल अभी तक नहीं पहुंची। क्या घटना घटी है? यहाँ पर जो पुल बना था वह पुल ढहा हुआ है और बहुत ज़्यादा दिन पहले पुल नहीं बना था, कुछ ही दिन पहले पुल बना था। अब पुल बनने के समय ही अनियमितता पूरा बरता गया इसमें, जिसके कारण पुल ढहने से 3 आदमी बह गए थे, तो 2 आदमी को छका गया है, 1 आदमी अभी लापता है। अभी क्या कर चाह रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग चाह रहे हैं तो उसको, उस लाश को प्रशासन की मदद से खोजा जाए और उसको निकाला जाए। मुआवजा कभी कोई मांग? मुआवजा तो उसके बाद की बात है, मुआवजा ने पहले तो लाश दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शेखर प्रजापति और मैं प्रजापति कुमार महासंघ का झारखंड जिला का अध्यक्ष। बारिश इधर जो 2-3 से हो रहा है तो बोकारो नदी में काफी तेज बाढ़ आ गया और बोकारो नदी पर ढंडे घाट के सामने जो पुल बना हुआ है वो 5-6 साल पहले बना हुआ है। यहाँ के कुछ किसान लोग जा रहे थे अपना खेती करने के लिए, नदी के उस पार में खेत था और जाने के क्रम में बीच से पुल अचानक टूट गया और बह गया। उसमें हमारे झंडे के भौरी लाल प्रजापति थे जो बह गए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। उनका उम्र करीबन 50-51 बरस है और उसके बाद देखिए ये सामने थे, इनके तो यहीं आवा ये अपना आँख से देखे हैं, ये बाल बाल बचे हैं। ऐसे 2-3 आदमी और थे जो साथ में वहाँ थे मौजूद। अभी हम लोगों का कहना है कि सबसे पहले वो जो पुल बना है उस संवेदक पर कार्रवाई हो, जांच हो और हम लोग का जो परिवार यहाँ से डेथ किया है उसको समुचित मुआवजा मिले, इसका प्रबंध करे सरकार अविलंब, तभी ये जाम टूटेगा। अर्थवा अभी जाम नहीं टूटेगा। क्या नाम है आपका? हम देव नारायण प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बोल रहे हैं। प्रशासन अभी क्या कर रहे हैं? प्रशासन अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। हमको जब सुबह 6 बजे पता चला तो 6 बजे से हम यहाँ के SDO को 10 बार फोन किए, वो हमको 7:30 बजे कॉल बैक किए, फोन का रिस्पॉन्स कोई ऑफिसर नहीं लिए, CO को भी लगाए उनका भी फोन नहीं उठा। हम फिर राकेश वर्मा जी को फोन लगाए, नागेश्वर जी पत्रकार को फोन लगाए, तो ये लोग हमको रिस्पॉन्स दिए। बाकी अभी तक कोई आदमी यहाँ आने का, स्थानीय विधायक आ जो भी जनप्रतिनिधि हो, किसी ने इस कांड का सूद नहीं दिया। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।